हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशी गुप्ता है। मैं एक कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि डायनमो वर्सेस बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रीमर्स हैं जो अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हैं उसका नाम लेके, लाइक ये बता रहे हैं कि वो हैकर है। बट मुझे नहीं लगता वो हैकर है, क्योंकि उसने बहुत सारी अपनी स्ट्रीम में बताया और एक्सप्लेनेशन तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं। वैसे डायनमो मैं पहले भी बता रहा था और यही मैसेज मैं देना चाहूँगा कि वह बंदा इतनी मेहनत करता है, 6-6 घंटे स्ट्रीम करता है, और इसने पबजी ही क्यों चुना, क्योंकि पबजी ही उसी वे में चल रहा था। मतलब ये ट्रेंडिंग टॉपिक पे था इसलिए इसने पबजी चूज़ किया था खेलना। वैसे और भी गेम्स इसने खेली हैं, ESL में खेला है भाई। अब किसको किसको प्रूफ दे यार, तुम लोग प्रूफ मांगने आ जाते हो यार। अब क्यों, कोई बंदा कह रहा था कि ये देखो एमुलेटर पे हैक करता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। तुम लोग बस सब्सक्राइबर्स पाने के चक्कर में इतना नीचे गिर जाते हो कि दूसरे को नीचे गिराओगे। भाई ये सुनना, एक बात सुन लेना मेरी बात से ध्यान से, कि अगर आप किसी को नीचे गिराओगे ना, किसी की बुराई करोगे, किसी को नीचे खींचोगे कि ये बंदा सही नहीं है, ये बंदा फ्रॉड है, ये बंदा फेक है, एमुलेटर पे खेलता है। पहले इनकी बात हुई कि इसमें स्किल्स नहीं है, एमुलेटर में खेलता है इसलिए हेडशॉट आराम से मार लेता है, ये वो बहुत सारी स्टोरी हुई, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है। जलन जो होती है वो जेलसी फैक्टर होता है मेरे दोस्त, मानो या ना मानो, कि बंदा एकदम से अगर सक्सेस, अगर दो बंदे हैं, दो इंडिविजुअल्स हैं, दो बात करूं मैं दो इंडिविजुअल्स की, कि दोनों आपस में कंपटीशन नहीं है, एक बिल्कुल बिगनर है, एक बिल्कुल प्रोफेशनल है, बहुत सालों से स्ट्रीम कर रहा है, गेम की स्ट्रीम कर रहा है, ठीक है। तो भाई ये बात ये हुई है कि अगर वो बंदा जो जिसने स्ट्रीम नहीं किया वो भी स्ट्रीम कर रहा है, वो थोड़े देर बाद सक्सेस उसे मिल जाती है। यूट्यूब का एल्गोरिदम किसी को नहीं पता भाई, किसी को जल्दी सक्सेस मिलती है, किसी को बाद में मिलती है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है यार। अगर तुम लोगों को अपना टॉपिक नहीं मिलता तो प्लीज़ दूसरों का नाम खराब करके प्लीज़ अपना जो पेट ना पालो ना, वो वीडियो को मोनिटाइज़ क्यों करते हो फिर, दूसरों की पोल खोल के वो वीडियो को मोनिटाइज़ ना करो फिर। इसका मतलब तुम लोग दूसरों की टांग भी खींचोगे, वीडियो को मोनिटाइज भी करोगे। इतने बेवकूफ़ लगते हैं ना मुझे ऐसे चैनल्स, मुझे तो शर्म नहीं, मुझे हंसी आती है ऐसे चैनल्स पे कि लाइक पापा बना के बैठे, बाप बना के रखा है डायनमो को अपने, हैं डायनमो का नाम डाल दो उसकी, बस डायनमो का नाम डाल दो उसका, बस अर्निंग आ जाएगी और हमारा वॉच टाइम बढ़ जाएगा, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएगा। भाई इसके बहुत तरीके हैं वॉच टाइम बढ़ाने के, और बहनचोद ये चिंदी सी गेम्स खेल खेल कर तुम लोग जो दिखाते हो ना कि हाँ ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, इंडियन गेमिंग को रिप्रेजेंट करेगा। पहली बात, तुम लोग पहले अपनी औकात बताओ फिर दूसरों को बताना उनकी क्या औकात है। पहले अपनी औकात तो बनाओ यार तुम लोग, अपनी औकात है नहीं तुम लोगों की, हैं भौंकते तो रहते हो तुम लोग हैं 24 घंटे। ये कोई बात है, मैं ये बहुत देर से नोटिस कर रहा था तो मुझे बोलना पड़ा, थोड़ी सी बातें चुभेंगी। और ये जितने भी है ना ये बंदे जो छोटे छोटे यूट्यूब, ये साले 20 साल के हैं 22 साल के, ना इनके पास वर्क एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, बस ये ज़्यादा ही मैच्योरिटी वाली बातें चोतते हैं ना, ये जानबूझ कर तुम्हें मैच्योरिटी थिंकिंग वाली बताएगा और कहेंगे ये लोग यूट्यूबर्स की, हाँ हम मैच्योर हैं, थोड़ा सोचो। बहुत बच्चे देखते हैं डायनमो की डायनमो गेमिंग, बहुत बच्चे देखते हैं ये वो। भाई बच्चे नहीं देखते, एडल्ट्स भी देखते हैं, सब मैच्योर हैं और तुम्हें कोई देने की ज़रूरत नहीं रहा है, ठीक है। और सबको पता है कौन कैसा है और तू कैसा है, ठीक है। और मैं डायनमो के ख़िलाफ़ भी, मैं डायनमो एक अच्छा गेमिंग करता है, अच्छी गेमिंग करता है मुझे पता है, और मैंने कभी उसके बारे में ना मैं बुरा बोला है ना बोलूँगा, क्योंकि उसकी मेहनत मैं देख रहा हूँ। उसके कई बार तो 2000-2500 व्यूज़ आते थे, अब बंदे के जब 1 लाख आ जाते तो फिर बाक्यों का तब क्यों बोल रहे हो कि एमुलेटर वाला ये हो रहा है, एमुलेटर पे खेल रहा है इसलिए सक्सेसफुल हो गया। ये जब बंदा नीचे होता है ना, जब मेरी ये बात सुन लो, जब बंदा स्टार्टिंग में होता है ना तब कोई पूछने नहीं वाला होता। डायनमो ने अपनी स्ट्रीम में ज़रूर बताया होगा, उसकी बातें ज़रूर सुनना, वो जो बोल रहा है वो झूठ क्यों बोलेगा यार। अब तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन भी देता है तब भी उसमें से आपको क्वेश्चनिंग करनी ही करनी होती है, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ कम से कम, क्योंकि बंदा आप 8 घंटे स्ट्रीम करके देखो, कमर के जो बैंड बजती है ना वो गेमर से ही पूछो। मैं मानता हूँ कि
बाकी गेमर भी मेहनत कर रहे हैं बाकी, क्योंकि जो ट्रेंड होता है ना उसके हिसाब से लोग अगर बदलेंगे सब्सक्राइबर्स तभी गेन होंगे ना। जो सब्सक्राइबर्स को क्या यूट्यूब की क्या पॉलिसी है, जब आप किसी को वैल्यूज़ दोगे, जो एंटरटेनमेंट चैनल है वो सबसे आगे बढ़ते हैं। बीबी की वाइन, समीर बदाना, इनके भी 10 मिलियन है, आशीष चंचलानी के भी 10 मिलियन है, ये इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डायनेमो भी सेम थिंग करता है, पर गाइस खुद सोचो आप लोग कि अगर डायनेमो हैकिंग करता है तो यार हैकिंग करता है मुझे नहीं पता, बट अगर करता भी होगा तो उसने शो भी किया था अपने स्ट्रीम में OBS वाले सब टास्क मैनेजर वगैरह, ठीक है। और ID बैन होना, वो मेरी भी बैन हुई है बहुत बार PUBG की, मैं भी PUBG खेलता हूँ, ठीक है। ID मेरी भी बैन हुई है, बात ये नहीं है कि ID जिसकी बैन हो जाती है तो वो हैकर होता है, बाई चांस बैकएंड से कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है, ठीक है। और तुम लोग साले वो विकिपीडिया का वो खोल के कि इसका मतलब ये हैकिंग होता है, बस दो ही चीज़ें आती हैं, एक तो या तो बंदे को गिराओ जितना गिराओ, और ये वीडियो तभी देखते हैं ना लोग कि हाँ कंट्रोवर्सी चल रही, जब हम भी बीच में मसाला गाड़ लेते हैं। भाई इन सब से बाहर निकलो और अपने पहचान बनाओ, जब अपनी पहचान बना लोगे, जब तुम कोई कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करोगे गेमिंग कम्युनिटी को, तब जाके फ़ायदा होगा। सो आज आपको पता ही है ना, फिर आज के जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना भाइयों, ध्यान से सुनना, जो आज का मॉडर्न वर्ल्ड है वो दूसरों को कुचल कर आगे बढ़ता है। आज के जो लोग हैं ना, कंट्रोवर्सी एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब अगर कहीं रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग देखने आते, कोई हेल्प नहीं करने आता, ठीक है। तो डायनेमो ने बहुत बारी जस्टिफिकेशन दे दिया, और डायनेमो को देने की ज़रूरत भी नहीं है तुझे। डायनेमो भाई तुझे देने की ज़रूरत नहीं है, जो जो सोचना है सोचो, उसके 3 मिलियन होंगे, उसके 4 मिलियन होंगे, देखना धीरे धीरे 10 मिलियन होंगे। और ये जो छोटे छोटे हैं ना, जो जिन्होंने अपनी रोजी रोटी स्टार्ट किया इन लोगों की कंट्रोवर्सी करके कि डायनेमो हैकर है, ये हैकर है, भाई तेरा की जा रहा है, तो अपने कंटेंट पे ध्यान दे, ठीक है। तुझे फिर कोई बार पूछेगा नहीं कि तू, जब कोई पूछेगा तू यूट्यूबर है, तेरे 1 लाख सब्सक्राइबर है, तूने तेरा कंटेंट क्या, फिर ये कहेगा मैं तो दूसरों की बुराइयाँ करता हूँ। भाई प्लीज़ बी मैच्योर, ओके। तो मेरा यही मैसेज था गाइस कि इन लोगों से ज़रूर बच के रहा करो, बिकॉज आपको अगर नहीं पता ना सच, तो फिर ज़रूर सच जानने के लिए उस सोर्स तक जाओ, ठीक है। अब उसको नहीं पता जो छोटा यूट्यूबर है, लाइक छोटा है, मतलब इसलिए कह रहा हूँ, है तो हूँ तो मैं भी छोटा, बट उसको ये नहीं पता है कि वो बोल क्या रहा है, किसी रैपो ख़राब हो जाती है बंदे की, क्योंकि यहाँ से सब्सक्राइबर्स देखेंगे 25-30 हज़ार, कमेंट वहाँ जाएंगे डायनेमो के पास, कई बार सुपर चैट में भी चले जाते हैं, भाई आप हैकिंग कर रहे हो ये वो, तो बैड इंप्रेशन पड़ता है। सो गाइस मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे यूट्यूबर से बच के रहो, ठीक है। सो गाइस शेयर कर देना लोगों को कि ताकि थोड़ा सा पता लगता रहे कि ऐसी कंट्रोवर्सी में फंसना बहुत बुरी बात है, और किसी को फंसाना भी बहुत बुरी बात है। सो गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, टेक केयर।